अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। सबसे पहले तो जरा अपना तारफ करवा दें, कुछ नए व्यूवर्स हैं उनको भी पता चल जाए। जी, मेरा नाम शबीर हुसैन है, मलियां वाला तहसील दसका जिला सियालकोट। चले माशाल्लाह, बेहतर हो गया। अच्छा शबीर हुसैन साहब, ये बता दें इस मशीन के बारे में, ये कौन सी मशीन है जो इस वक्त आप अपनी बाई जानब रख के खड़े हैं? ये पायलट मशीन है, इसके साथ आप पोल्ट्री की फीड का पायलट, डेयरी वंडा, फिश फीड, जिस चीज का मर्जी चाहे ना आप इस पायलट बना सकते हैं। अच्छा, ये मशीन आप सिर्फ बनाते हैं या जाती इस्तेमाल के लिए है, क्योंकि आप खुद भी फार्मर हैं? जी, हम जाती इस्तेमाल तो अपनी फीड ही बना रहे हैं, इसी पायलट पे बना रहे हैं। तो इधर हमने ना वर्कशॉप रखी हुई है, अगर कोई भाई ऑर्डर देना तो उसको ऑर्डर पे हम बना के देते हैं। इसका मतलब है कि आपका फीड बनाने में तो तजर्बा है, फीड अच्छी बनाने में अपने जानवर तैयार करने के लिए वो भी आपका अच्छा खासा तजर्बा है, इंशाल्लाह फायदा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर कोई बंदा अपनी फीड तैयार करता है तो उसकी क्या वजह, क्यों अपनी तैयार करनी चाहिए? कमर्शियल फीड्स मार्केट में मिल जाती हैं बासानी। देखिए मेरे भाई, ऐसा है कि जो कमर्शियल फीड है ना, इस टाइम ना 4700 रुपए की 50 केजी की एक बैग है। तो इतना ज्यादा रेट जो है ना फार्मर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सिर्फ रेट की वजह से अपनी फीड बनानी चाहिए या? और क्वालिटी, क्वालिटी मेन चीज आ जाती है। क्वालिटी को क्या कंप्रोमाइज कैसे करेंगे, मार्केट की और अपनी की? देखे ना, आपने जो भी डालना ना, आपने जो भी फॉर्मुलेशन आपने अपने हाथों से डाल के आपने बनानी है, आपको पता है यार मैंने ये चीज इसमें डाली है। वो जो कमर्शियल मिलती है ना, उसमें पता नहीं वो क्या डालते हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर देख लें, अपनी फीड तैयार करके महंगी ना पड़ जाए? महंगी तो नहीं पड़ेगी, अगर महंगी पड़ भी जाए ना तो उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपको ना वो सस्ती कर देगा। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे पता चलेगा? रिजल्ट तो आपको आपका बर्ड ही बताएगा ना। बर्ड क्या बोल के बताएगा? वजन देखे ना, अगर आप फीड डालेंगे आपके बर्ड की सेहत, उसका वेट, वो अच्छा आपको बताएगा कि यार मैंने क्या, आपने क्या मुझको डाला है। तो वो देखे ना, कोई भी आदमी अगर उसकी अपना फीड अच्छी होगी ना तो उसकी सेहत तंदुरुस्ती, तो वो सारा कुछ। चले ये बताएं कि क्या खुराक की वजह से जानवरों की बीमारियों में इजाफा या कमी हो सकती है? बिल्कुल, बुनियादी वजह ही खुराक है। चले, वजह ही खुराक है ना। कैसे, क्या कहते हैं खुराक? बेसिकली लोग जानना चाहेंगे कि पोल्ट्री की फीड बनाने वाली मशीन तो जी ले लें, लेकिन वो फीड तैयार करना किससे मशवरा करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या राय है आपकी? वो तो किसी डॉक्टर से आप उसकी फॉर्मुलेशन लें, वो आप उसका जो रॉ मटेरियल है वो ला के आप अपने हाथों से डाल के बनाए, तो आपको सारा पता चल जाएगा, आपको कीमत में भी कमी आएगी और आपके जानवर की सेहत जो है ना वो भी अच्छी रहेगी। इसका मतलब कि दवाइयों के जो खर्चे हैं उन पे भी कंट्रोल हो सकता है? देखें, ये दवाइयां इतनी महंगी हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के बर्ड को एक दफा बीमारी आ जाए तो उसका ना खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि खुद आप कितने पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, क्या सिलसिला है, कितने जानवर आप पालते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें। जी मैं ना बेसिकली ना गोल्डन मिश्री का काम करता हूँ, 50,000 चूजा मैं डालता हूँ। तो मैं 2 माह का 2.5 माह का करके ना उसको 600 ग्राम 700 ग्राम तो मैं उसको सेल करता हूँ। चले माशाल्लाह, फिर तो आप अच्छे खासे तजर्बाकार बंदे हैं। अब मशीन की बात कर लेते हैं, इस मशीन की क्या कीमत है, क्या साइज है, क्या प्रोडक्शन है, इसके बारे में सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्केट में मशीनें और भी हैं, आपकी मशीन में ऐसी क्या खास बात होगी कि आपसे कोई ये मशीन लेने आए? मेरे भाई, एक तो इसमें हम ना हल्का मटेरियल यूज करते ही नहीं, ठीक है, मोटर देखें, गियर देखें, ऊपर वाला मटेरियल देखें, डाई देखें, इसके रूले देखें, ये कोई भी चीज हम ना हल्की इस्तेमाल नहीं करते।
नहीं सर देखें, ये कहने की हद तक नहीं, जरा डिफरेंस बताएं कि मार्केट और यहाँ क्या फर्क होगा, किस तरह कंपैरिजन करेंगे आप? देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारा मटेरियल आप चेक करें और मार्केट से लेके वो चेक करें। लोग इधर ना बहुत बारीक इस्तेमाल करते हैं मटेरियल, हम कोई भी चीज आपको हल्की नहीं इधर नजर आएगी, फ्रेम से लेकर ये रूले डाई ये सारा स्टील है और भारी है। अच्छा ये बताएं कि इस मशीन की प्रोडक्शन कैसी है, एक दिन में एक घंटे में कितनी? ये एक घंटे में 100 से 150 केजी है इसकी प्रोडक्शन। किस किस साइज की मशीन आप तैयार कर सकते हैं? हम कर रहे हैं 4 साइज की। बता दें जरा। 100-150 केजी वाली, उससे ऊपर 5 बैग पर आवर, उससे ऊपर 10 बैग, उससे ऊपर 20 बैग। मतलब ये हो गया तकरीबन टन तक आप पर आवर प्रोडक्शन की मशीन तैयार कर सकते हैं जी। सर देखा गया है कि इस मशीन के साथ और भी मशीनरीज की जरूरत पड़ती है जो साथ इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? इसके साथ एक ग्राइंडर, एक मिक्सर। ठीक हो, छोटे पैमाने पे करना चाहता है ना उसको, वो कहीं भी चक्की से उसको दलिया बना के ना हाथों से उसको मिक्स करके इसमें डाल के बना सकता है वो। मतलब अगर आप अपने लिए पर्सनल 1,000-2,000-4,000 बर्ड के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप इस अकेली मशीन से गुजारा कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा पोल्ट्री फीड का काम करना चाहे तो फिर उसे प्रॉपर सेटअप लगाना पड़ेगा। हाँ जी, बड़े पैमाने पे अगर को करना चाहे ना उसको पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। चले बेहतर हो गया। अच्छा इसमें मुर्गियों की और वंडा दो चीजें बन सकती हैं, या फिश रैबिट की फीड होती है, डॉग्स की, कैट्स की, मुख्तलिफ तरह की फीड मार्केट में पैलेट की शक्ल में मौजूद है, मुख्तलिफ शेप होती है, क्या उनकी तैयारी भी हो सकती है इस मशीन में? जी इधर देखे ना, ये देखे ना, ये इसमें ना 4.5 mm का फ्रॉक है, ये 4.5 mm का पैलेट बनाएगी जी। ठीक हो गया, ये 4.5 mm का पैलेट बनाएगी। इधर ये दूसरी मशीन है ना, इसमें देखे ये 8 mm का, ये डेरी वंडे के लिए है, वो पोल्ट्री फीड के लिए है। बेहतर हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ डाइयां चेंज करने के लिए। ये देखो ना, ये आप इसको बकरियों के गोट फार्मिंग के लिए, वो कटा बच्चा फार्मिंग के लिए ये डाई इस्तेमाल होगी। वो जो है ना, वो आप मुर्गी की फीड, पोल्ट्री फीड, उसके लिए वो इस्तेमाल होगी। अगर आप एक मशीन के साथ दो डाइयां लगवाएंगे ना तो ये दोनों काम करेंगे एक साथ ही। चलो जी बेहतरीन हो गया। ये बता दें कि अगर कोई बंदा खरीदना चाहे तो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकता है, अपना नाम पता एड्रेस वगैरह जरा शेयर कर दें। जी मेरा नंबर आप लिखें 0300-640-7601। एड्रेस भी बता दें। ये स्टेडियम रोड है, मलियांवाला स्टेडियम रोड।